सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है और ऐसा तब संभव है जब हमारा समाज आइडियल होगा। आइडियल समाज तब होगा जब यहाँ के लोग सब हो जाएं, आपसी विवाद तथा अपराध खत्म हो जाए। ये बातें बेलीपार क्षेत्र के माधव पब्लिक स्कूल में मिशन शक्ति एवं महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आयोजित एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक दक्षिण अरुण कुमार सिंह ने व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि महिला संबंधी अपराध में IPC की धाराओं तथा बच्चों के लैंगिक शोषण के खिलाफ कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसमें सजाए मौत का प्रावधान है, लेकिन समाज में नए कानून बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा समाज सब नहीं हो रहा है, जिसके लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को तथा बेटा और बेटी दोनों को जागरूक होना है। उन्होंने उपस्थित बच्चियों से महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूछा तो एक बच्ची ने 1090 बताया। इस पर उन्होंने शाबाशी देते हुए कहा कि हमें अपने अधिकारियों के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए और बताया कि UP 112 नंबर हर प्रकार की आपदा के लिए उपयोगी है तथा उपस्थित बच्चियों से कहा कि आप मिशन शक्ति के ब्रांड अम्बेसडर हो, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना आप सभी का कर्तव्य है और इसका संकल्प भी दिलाया। इस दौरान महिला कांस्टेबल शक्ति दीदी ने बच्चों से पूछा कि मिशन शक्ति के बारे में इससे पहले कौन कौन जानता था, तो बच्चों ने अभिव्यक्ता जाहिर की। इस पर उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए उसके उपयोग की जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय में आयोजित 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में जूनियर गर्ल्स से ब्लू हाउस के अनुष्का सिंह, येलो हाउस की रिया जायसवाल, ग्रीन हाउस सीनियर गर्ल्स में ब्लू हाउस की अभिलाषा ओझा, ग्रीन हाउस की अंशिका पांडे, खुशी शुक्ला को मेडल देकर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने फौजी ड्रेस में पिरामिड एवं अनेक शक्ति प्रदर्शन की झांकी प्रस्तुत करते हुए वंदे मातरम एवं भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष बेलीपार पुरुषोत्तम आनंद सिंह, SSP सतपाल सिंह, कोड़ीराम प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर मणि ओझा, विद्यालय के चेयरमैन इंद्रजीत ओझा, LN दुबे प्रधानाचार्य, शिक्षक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।